हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी भर्ती को लेकर अतुल प्रसाद जी का कोई ना कोई ट्वीट आता रहता है, ताकि उनके जो परीक्षार्थी हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। उसी के रिगार्डिंग उन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया है। एक घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर उन्होंने पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर किया है, जो कि उनका वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है, जिसमें वो बिल्कुल ये मतलब लगता है कि उनका डेडिकेशन है। वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बिल्कुल सही ऑथेंटिक न्यूज़ देते रहते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परीक्षार्थी में जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, कोई सूचना ऐसी ना रह जाए जिससे वो वंचित रह जाएं। ठीक उसी संदर्भ में उन्होंने जो आज ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कहा है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि कहीं से स्किप करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं कितने सेकंड में वो निकल जाती है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि TRE सोशल साइंस जो कैंडिडेट्स हैं मस्ट नो हाउ टू सेलेक्ट, वो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना चाहिए उनको, हाउ टू सेलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इन पार्ट 2 और 3, जो कि भाग 2 और 3 में आएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसको किस तरीके से सेलेक्ट करना है इसको ज़रूर ज़रूर नोट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने समझाया है, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे समझाया कि इफ़ हिस्ट्री इन पार्ट 2, अगर हिस्ट्री जो है वो भाग 2 में है, देन यू कैन चूज़। अगर भाग 2 में हिस्ट्री है, इतिहास है, तो देन यू कैन चूज़, तो आप जो anyone किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, द 3 सब्जेक्ट्स इन पार्ट 3। भाग 3 में जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें से केवल एक सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कहा है, अगर भाग 2 में इतिहास है तो। अब आते हैं बट इफ़, परंतु यदि ज्योग्राफी यानी भूगोल इन पार्ट 2, भाग 2 में है, आती है ज्योग्राफी, जैसे कि पार्ट 2 में यहाँ हिस्ट्री आई थी, लेकिन अगर पार्ट 2 में ऐसे ही यहाँ पर ज्योग्राफी भूगोल आ जाती है, तो क्या है, देन यू आर लेफ्ट With only 2 options for part 3, तो आपके पास भाग 3 के लिए जो है आर लेफ्ट विद ओनली 2 options ही रह जाते हैं। अब आप अपना कॉम्बिनेशन अच्छे से देख लेना कैसे सिलेक्ट करना है, और इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं जो कि सभी के लिए कन्वीनियंट हो। यहाँ पर इन्होंने कहा है, उदाहरण के लिए भाग 2 में इतिहास है, तो आप भाग 3 में 3 विषयों में से किसी एक को चुन सकते हैं, यानी एक को चुनोगे। और अगर लेकिन यदि भाग 2 में जो भाग 2 होगा पेपर का, उसमें अगर भूगोल आ जाता है, भूगोल है, तो आपके पास भाग 3 के लिए जो भाग 3 होगा उसके लिए केवल 2 विकल्प बचते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार आपका कॉम्बिनेशन आपको करना है, कैसे नहीं करना है। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो आपको इसको या तो आप उनके ट्वीट को वहाँ से, अगर आपने उनको फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से समझें और किस प्रकार इसको अटेम्प्ट करना है उसको देख लें, क्योंकि कई बार कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है अगर हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया तो। इसलिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर विशेष ध्यान रखें कि कौन सी पार्ट में कौन सा जो हमारा विषय आ रहा है, और फिर हमें कौन सा चूज करने में हमें आसानी होगी, जिसमें हमें बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लें, और हाँ, इसको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि ये सभी उन कैंडिडेट्स तक पहुँच सके और सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके, जो कि हम अपना भी सौभाग्य मानते हैं कि हमारा एक चैनल है जो मीडियम बना हुआ है, जिस प्रकार अतुल जी अपना ट्वीट करके आपको सूचना देते हैं, और हमारा चैनल भी माध्यम बना हुआ है ताकि आप तक ये सूचनाएँ पहुँच सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।